नमस्ते आदाब, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि विकास दुबे आतंकी इनकाउंटर में मारा गया, लेकिन बहुत से ऐसे सवाल हैं जो दिल में हैं जिसका जवाब नहीं मिलेगा। पहली बात यह कि जब उसने आत्मसमर्पण खुद से कर लिया तो वो क्यों भाग रहा था, और अगर वो भाग भी रहा था तो उसको पीठ पर गोली लगनी चाहिए, लेकिन उसको सीने पर गोली लगी है। हो सकता है वो रिवर्स भाग रहा था, वो रोबोट था। दूसरी बात यह कि जो टोल प्लाजा में सीसीटीवी के जरिए देखा गया, वो सफारी में बैठा था, लेकिन कानपुर पहुंचते ही वो महिंद्रा टीयूवी 300 में कैसे आ गया। और तो और, महिंद्रा के मालिक भी हैरान है कि जो उनकी कार गड्ढे में भी जल्दी नहीं पलटती, वो चिकनी रोड पर कैसे पलट गई। और अगर कार पलटती है तो टायर के निशान रोड पर ज़रूर होते हैं और कांच भी टूट जाते हैं, लेकिन ना तो कांच टूटे और ना ही टायर के निशान रोड पर पाए गए। बहुत से ऐसे रास्ते हैं जो उसके साथ ही चले गए। अगर उस रास्ते पर्दा उठता तो बहुत से पुलिस के बड़े अधिकारी, नेता, सांसद, विधायक और भी बहुत से लोगों का पर्दाफाश भी होता। खैर, चार मिसरे पढ़ता हूँ, मेरे नहीं हैं, किसी ने लिखे हैं, चार मिसरे पढ़ता हूँ। बदरकाश मुलादा फरमाए के आवाज दबा दी गई और साज बच गए, आवाज दबा दी गई और साज बच गए, खाकी के और खादी के सब राज बच गए, खाकी के और खादी के सब राज बच गए, आवाज दबा दी गई और साज बच गए, खाकी के और खादी के सब राज बच गए, न जज बैठना कोर्ट लगी सजा मुकर्रर, न जज बैठना कोर्ट लगी सजा मुकर्रर, सारे टिड्डे मारे गए और बाज बच गए, सारे टिड्डे मारे गए और बाज बच गए, आवाज दबा दी गई और सांस बच गए, खाकी के और खादी के सब राज बच गए। शुक्रिया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। शुक्रिया।